लेकर आई हूँ एक दास्तान। इस दास्तान के हीरो हैं मिर्जा और हीरोइनी है साहिबान। हाय गुड इवनिंग, माय नेम इज रोहिणी और अक्सर आप मुझे रेडियो पर देखते हैं और आज रेडियो से बाहर निकलकर मैं आई हूँ एक अलग किस्म के नशे के साथ। जी हाँ, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल इवनिंग एंड बिफोर आई गो ऑन टू इंट्रोड्यूस द फिल्म टू यू, लेट मी जस्ट से कि इन फ्रंट रोज में चेहरे जो आज बैठे हैं, इनको देखकर बस इतना ही कहने का मन कर रहा है कि ये जो है घर की फिल्म है, अपनी फिल्म है, मेरी फिल्म है। यहाँ पर एक मॉम की फिल्म है, एक डैड की फिल्म है, एक बहुत ही एक्साइटिंग डैड की फिल्म है, एक बहन की फिल्म है ये, और साथ साथ देयर आर अंकल्स, देयर आर आंट्स, उसके बाद ये हैं लेजेंड्स, उसके बाद ये हैं एक्टर्स, उसके बाद ये हैं राइटर्स, उसके बाद ये हैं लिरिसिस्ट, उसके बाद ये हैं म्यूजिशियंस। आज मेरे घर की फिल्म है। विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई'd लाइक यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिर्ज़िया। ईद से दशहरे का सफर हम तय करेंगे और मैं जानती हूँ कि हमारी जो मीडिया यहाँ पर है, वाओ, आई नो यू ऑल हियर टुडे, यू डोंट वांट टू मिस दिस। आप आए थे 4:30 बजे, ये भी मुझे पता है, इंतज़ार किया है आपने, ये भी मुझे पता है, बट आई विल, यू नो, आई ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर। अब ये पेशा है, लोग अक्सर ये कहते हैं यू हैव नेवर सीन दिस बिफोर, बट व्हेन आई से दिस, कुछ नाम लेना चाहूँगी इस स्टेज पर, क्योंकि ये कहानी मिर्ज़ा साहिबान की, इस कहानी को किसने नहीं सुना है, सब जानते हैं, लेकिन एक इंसान ने इस कहानी को पहली बार जब अपने कॉलेज के डेज में देखा था स्टेज पर, उन्होंने एक सवाल पूछा था। बहुत सारे म्यूजिक लेजेंड्स भी हैं यहाँ मेरे फ्रंट, यहाँ हमारे फ्रंट रोज में, एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड अस एज वेल बैक स्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई'ड लाइक यू टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द विजनरी डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, प्लीज। सो कुछ 36 साल पहले, अराउंड 36 years ago, आई वॉज इन कॉलेज एंड देर वॉज अ कल्चरल फेस्टिवल। वहाँ पर मैंने मिर्ज़ा साहिबा का प्ले, आई न्यू इट, यू कांट शूट मी, सो आई सॉ द प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम 36 years ago, एंड कॉलेज का ज़माना था, एक लव स्टोरी थी, लेजेंडरी लव स्टोरी। And at the end of the play, the director comes on stage and asks all of us like this, ki Saiba ne teer kyun thode the? It was quite a question. Everybody raised their hands. I didn't have the courage to raise my hand. And that question got me. Why do we hurt them the most, whom we love the most? Hum usi ko kyun sabse zyada satate hain, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं, ऐसा होता क्यों है प्यार में? What is this love? It's so illogical. तो ये सारे सवाल घूमते रहे, साहिबा एंड मिर्ज़ा, फॉर आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी नोज द स्टोरी, बट फॉर दोज हु डोंट, दे वर सोलमेट्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, दे ग्रू अप एंड देन दे फाउंड themselves on opposite sides in warring families, thirsty for each other's blood. But they were in love. Their souls could not be disconnected. Everybody tried so, but it didn't happen. And when the time came, they ran away from the world. They galloped on their horse, a beautiful black horse called Bucky. 3 days, 4 nights, finally there was safety. एक और वैली की बात थी, बस उसको क्रॉस करना था उनको, बट अंधेरा हो चला था. They took rest under a tree and they fell asleep. But what they didn't know and what they were fearing the most, there was a posse of Saiba's brother and some 100 horses looking for them. Unke khoon ke pyaase, unke peeche. In the morning, Bucky shouted a warning signal.
he went up in the sky and warned her master, Mirzia, to wake up. Mirzia woke up and the brothers had surrounded. There were 100 horses, 100 bows and arrows. He went for his bow. He picked up the arrows, but the arrows were broken. All the arrows were broken. And he looked at Sai Baba. And he said, why? Why did you do it? And then the brothers of the arrow, Sai Baba's brothers, shot the arrows. Mirza, he bled to death. And he had that question in his eyes. And I had this question in my heart for 35 years. Somewhere deep down, it was there. You, life is funny. You find yourself in a director's chair and then you want to tell stories. Where do you get stories out of? You get them out of your own experiences. So I called up Gulzar Bhai. And I said, Gulzar Bhai, chai. He said, aja. He's my neighbor. I went to his house and I said, Gulzar Bhai, Saiba ne teer kyun tode the? So he says, Bachchu, he calls me Bachchu. Bachchu, wo to tum Saiba se jaake poochho. And I said, sir, mil nahi rahi hai. Bahut saalon se dhoond raha hu. He said, acha. Theek hai, chalo, haath pakadte hain. Dhoondte hain Saiba ko. जब मिल जाएगी उसी से पूछ लेंगे तुमने तीर क्यों तोड़े. लेडीज एंड जेंटलमैन, माय लाइफ कम्स अ फुल सर्कल टू टेक द राइटिंग ऑफ सच अ लेजेंड एंड मेक इट माय ओन. गुलजार भाई, थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. ईद मुबारक आप सबको. और कम होता है कि ईद पर इस तरह का तोहफा मिले जो राकेश आज दे रहे हैं हम सबको. राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक अगेन. मिर्ज़िया करते हुए ये जो सवाल साहिबा के बारे में बोल के गए हैं राकेश, तो वो सवाल उन्होंने मुझसे भी पूछा था, मुझसे ही पूछा था बल्कि आगे के बताइए कि उसने तीर क्यों तोड़े. अब मैं इतना ही कह सकता था कि मैंने साहिबा से पूछा नहीं. पूछ लेता तो बता देती या आप उनसे पूछिए. तो वो जिम्मेवारी उन्होंने मुझ पे दी कि आप पूछ के बताइए. सो आई सेड कि लेट्स गो, चलो साहिबा से मिलते हैं चल के. तो साहिबा से पूछेंगे. राकेश के साथ ये फिल्म करते हुए ये सफ़र में बड़ा मज़ा आया है, बहुत खूबसूरत है. और सिर्फ यही है कि वो अक्सर टेक्स्ट बुक से बाहर के सवाल पूछ लिया करते हैं और तब बड़ी दिक्कत होती है. तो मैं अब ये कि स्कूल से ही ये तो मुसीबत थी मेरे लिए, इम्तिहान देते हुए बड़ा डरता था कि भाई हाँ आपने जो सिखाया वो पूछ लीजिए, उसका जवाब दे दूंगा. जो टेक्स्ट बुक में है वो पूछ लीजिए, ज्योग्राफिया पूछ लीजिए, हिस्ट्री पूछ लीजिए, मैथ्स मत पूछे क्योंकि वो मैं बहुत ही ख़राब था. पहाड़े सुना दूंगा एक से ले कर दो से ले कर छः तक दस तक, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके बाहर पूछेंगे तो क्या होगा. और उनके साथ स्क्रिप्ट करते हुए वो मज़ा वही था कि जो टेक्स्ट बुक से बाहर वो सवाल पूछते थे उनके जवाब ढूंढने पड़ते थे वाकई. और इस जवाब की तलाश में मैंने एक सफ़र किया लंबा, जाके मिला साहिबा से मिला. साहिबा ने वही बात कही जो राकेश पहले ही कह चुके थे कि इसमें अब इसमें तो ये होता है और ऐसा ही होता है कि चोट कहीं लगती है जाकर और जख्म कहीं पर होता है. होता है इश्क में, ऐसा होता है. तो साहिबा की कहानी में सोचा अगर मैं कहूं तो इश्क के एक पहलू की कहानी तो मिल जाएगी. तो जावेद साहब, मैं वो जरा सी वो कहानी सुना दूं, इजाजत हो तो.
अब उस वक्त ये शक्ल गाने में नहीं थी, मैंने तो सीन की सूरत में ही लिख के दिया था कि एक नदी थी, एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी। अब जाहिर है कि नदी के दोनों किनारे भी जरूरी हैं, लेकिन उसको अगर एक इंडिविजुअल मान लिया जाए तो दो किनारे दो शख्स हो जाते हैं, दो शख्सियतें हो जाती हैं, या दो इमोशन या दो जज्बे हो जाते हैं, और वहीं से वो कहानी का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी। एक नदी थी, एक नदी थी, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती। हाँ, एक नदी थी, आजाद थी, जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी। अब ये कहानी है उसकी, साहिबा की। हम शोर के खासतौर पे हमारे दोनों अदाकारों, तीनों अदाकारों को, ये तीनों अदाकारों को ये बात समझ में आ गई। और कहाँ से, थैंक यू अनिल फॉर गिविंग अ सच अ स्टार एंड लवली ग्रेट एक्टर हर्षवर्धन कपूर, बहुत खूबसूरत, एंड व्हाट ए परफॉर्मेंस बाय हिम। एंड ऑफ कोर्स किसी की भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। तन्वी जी से कहूँ मैं कि मैं क्या, आप पूरी फैमिली के साथ काम किया हुआ, राइट फ्रॉम उषा किरण जी व्हेन आई वाज एन असिस्टेंट इन काबुलीवाला, और फिर आपके साथ, और अब साहबजादी आपकी, उसके साथ काम किया। तो इसी कहानी में से ये किरदार निकले हैं और मिले हैं मुझे। एक नदी थी, तोड़ती तो सैलाब, दोनों एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, कोई किनारा छोड़ न सकती थी, तोड़ती तो सैलाब आ जाता, करवट ले तो सारी जमीन बह जाती। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी, आजाद थी, जब झरने की तरह चट्टान पे बहती थी, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, लेकिन दिल एक जालिम हाकिम था, वो उसकी जंजीरों में रहती थी। एक नदी थी, दोनों किनारे थाम के बहती थी। आगे कहानी आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। बहुत बार कमाल कर चुके हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन गुलजार साहब, और इनके साथ ऑफ कोर्स माय फेवरेट्स शंकर एहसान लॉय, गिव इट अप फॉर देम प्लीज। कहते हैं कि जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है, लेकिन जब गुलजार साहब को हिचकी आती है तो वो कैसे सुनाई देती है। उन्हीं की लिखी हुई अगली इस नज़म या यहाँ पर गाने की ओर चलेंगे। आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू वेलकम हिम बैक ऑन द स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुलजार साहब। थैंक यू। जी साहब, मुझे अंदर हिचकी आ रही थी कि आप याद कर रहे हैं, और हिचकी बस यही है कि कोई याद करे तो हिचकी आती है, कभी कभी बड़े जोर से आती है। और मुझे जब पीछे हिचकी आ रही थी, वहाँ बैठा हुआ था अभी, तो राकेश ने कहा कि एक गिलास पानी दे दिए। तो मैंने बताया, मैंने कहा ये हिचकी से गिलास पानी से नहीं उतरने वाली है। अब जब तक मैं किसी के गले ही ना मिल लूँ तो कहाँ से हिचकी आएगी। वो तो हिचकी तो तभी ख़त्म होगी जब जो याद कर रहे हैं उनके गले लगे। ये एक ऐसी ही जगह है इस कहानी में भी कि जहाँ किसी को हिचकी आती है, लेकिन उस हिचकी का जिक्र गांव के लोग करते हैं। वहाँ एक लोहारों की गली है, एक लोहारों की गली है जो दास्तानें सुनाया करती है। इस फॉर्म में, इस कहानी में, स्क्रीन प्ले में, एक मेरा ख्याल है वो एक अंदाज नया है, देखिएगा कि वो गली जहाँ लोहार काम करते हैं सारे, हर दहकती रहती है वो, और
लाल सुर्ख माहौल रहता है वहाँ, और जब आग में लोहा तपता है और जब आग बिखरती है तो ऐसे ही लगता है उन तमाम लोगों के होते हुए जब वो गाते रहते हैं और कहानियाँ सुनाते रहते हैं, जो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी भी सुना रहे हैं। और उस वक्त लग रहा था कि जैसे वक्त ने मुट्ठी खोली है और ये लम्हों की चिंगारियाँ हैं जो बहती रहती हैं और जो चलती रहती हैं, और उनमें वो कहानी कहते हैं। और उसी में बस ये हिचकी लोहारों की गली के किरदार हैं जो बार बार सामने आते हैं और कहानियाँ गाते हुए कहानी सुनाते हुए आगे चलते हैं। उसमें जिस हिचकी का जिक्र ये लोग करते हैं कहानी सुनाते हुए, वो कुछ ऐसी है, अब वो फोक है वहाँ का लोक गीत का जो रंग है कि आवे रे हिचकी निद्रा में किसने याद कियो रे, जगाए सारी रहना रे। अब नींद में भी हिचकी आई है, निद्रा में किसने याद कियो रे, जगाए सारी रहना रे, पिया जगावे जिया जगावे और दिया जलावे रे। जो चीजें जगाए रखती हैं, पिया जगावे जिया जगावे दिया जगावे रे, आवे रे हिचकी संदेशा आयो ना चिट्ठियां भेजाई, संदेशा आयो ना चिट्ठियां भेजाई, सावन में सूखे नैना रे। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ओके सो नाउ आई नो द लेजेंड ऑफ मिर्ज़ा साहिबा, कैन दिस legend, can this story reverberate, can the echo of that, the same story be heard in today's time, can it play out in modern day India, can it play out in 2016? He had a twinkle in his eyes and 3 months later it played out इन मॉडर्न इंडिया। सवाल ये था क्या आज के ज़माने में भी वैसा प्यार होता है जैसा हमने सुना था सोचा करते थे, क्या आज के ज़माने में भी लैला मजनू रोमियो जूलियट शीरी फरहाद हीर रांझा होते हैं, क्या आज भी वही प्यार का एहसास है, क्या आज भी अगर हम ढूंढने निकलें तो हमें मिर्ज़ा और साहिबा मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं। तीन गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और एक मैं। एंड माय फेवरेट प्रोड्यूसर, द मैन हु प्रोड्यूस्ड द वंडरफुल मैन ऑन द स्क्रीन, अनिल कपूर, प्लीज। मैं थोड़ी ना आपको छोड़ूंगी, कम ऑन, you have to join us on the stage, ladies and gentlemen, please give him a big hand, Jagas Anil Kapoor. Okay, we have to ask all three of you questions, so I'm going to ask you to kindly join me on the stage, Vinod ji, please. A few words on the music of Mirzia. Thank you so much, Gulzar Saab, for wonderful lyrics. And from T-Series, I would just say one thing, that today in this hall some 500 or 1,000 people have heard the songs. Tomorrow the world will hear the same, and it's a super hit. Thank you. Thank you, Vinod Bhanushali sir, of course representing T-Series. Bharti ji, I'd like you to say a few words, please. I would just like to say thank you to everybody. Thank you to Anil sir. He's been a pillar of strength for the whole unit, and I think मुझे फंसा दिया
आज आप रो नहीं सकते. आईफा में जब पहला आपने फर्स्ट लुक किया था, इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एट आईफा ऑल द वे इन मैड्रिड. आईफा में तो बिल्कुल नहीं रोया था मैं. लाइंग लाइंग. नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. वेल ऑफ कोर्स वेल आई थिंक लाइफ हैज कम फुल सर्कल फॉर मी. My father came a few decades back to this Mumbai film industry, and he saw success, he saw a lot of disappointments, but that gave me strength, me and my brother. So I want to thank my father, my mama, mother who's here, my brother, all both my brothers. And of course, I don't want to say much about myself. It's a very joyous moment for me today. It's great pride that today my son Harsh Vardhan Kapoor, you know, is over here. All I can say is, beta, beta ho to aisa, magar I just want to say, meri baat nahi sunta. He just doesn't listen to me at all. And I know people are very, very apprehensive about star sons, but I can assure you, Harsh, and all of you, star children who are, they don't have to be apprehensive, especially Harsh, because whatever he's done today, he's done it on his own. He's got this film on his own. Absolutely. And he believes he's different, he's, but the, don't expect anything like me from him, absolutely, I'm telling you. And that's what his strength is. And I just want to thank, you know, that Rakesh Om Prakash Mehra spotted him, groomed him, and the entire team, you know, have made him Mirzia today. And I can see Mirzia on screen today. I just want to say that all of you here, friends from the media, my colleagues, my family, Javed Saab, Gulzar Saab, Dilir Saab, Shankar, absolutely phenomenal talents, and all of you all have given me so much of support and love. Mera haq banta hai. The entire family has given blood, sweat to this business, never compromised, never made no scams, never made money, you know, just made enough money, but gave everything to this show business, to this film industry. So whatever love and affection you all have given me for so many years, I want you all to give it to my son. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Gulzar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Kapoor. A very emotional moment. Please take a seat. Thank you, Bharti. Thank you so much, Vinod ji. Thank you so much for joining us.